अस्सलामुअलैकुम। आज फिर मैं हाज़िर हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर। जैसे कि आपको भी पता है, बारिश का मौसम हो रहा है और शॉप बंद है, दिल कर रहा है समोसे खाने के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना हम घर पर ही ट्राई करें समोसे की रेसिपी। चलें फिर मैं आपको बता देती हूँ मैंने इसके लिए किन सामान को तैयार किया है। मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1 बाउल सरसों का ऑयल लिया है, आप चाहे रिफाइंड ऑयल भी ले सकती हैं, और नमक लिया है। सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे, जिसके लिए मैं मैदा ले रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, हम एक साथ सब ऑयल नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इस तरह से करके चेक कर लेना है खस्ता आटा गूंदने के लिए। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक, ज़्यादा नहीं डालना है। अब हम इसको पानी के साथ गूंद लेते हैं। देखिए मैंने आटा गूंद लिया है, अब हम इसको 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। देखिए हमने गोल रोटी बना ली है, अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, बीच में कट लगाएंगे इस तरह से। ये कीमा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने कचौड़ी बनाई थी, वैसे ही हमें ये कीमे का मिक्सचर तैयार करना है। देखिए मैंने समोसे फोल्ड कर लिए हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे। समोसे अब फ्राई करेंगे। समोसे फ्राई होकर तैयार हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज़।